गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पुनः मैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता में जो आपको क्राइम की बात बताई गई है उसी से रिलेटेड क्रिमिनोलॉजी में अपराध शास्त्र में जो जिसका उपबंध भारतीय दंड संहिता में नहीं है और इस अपराध शास्त्र विस्तार से इस शब्द का उल्लेख किया गया है जिसको हम कहते हैं सफेद पोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम सफेद पोश अपराध, सफेद पोश अपराध, सफेद पोश अपराध ऐसे अपराधों को सफेद पोश अपराध के रूप में समाज देखता है, ऐसे लोगों को जो समाज के उच्च प्रतिष्ठित पदों पर दायित्वों पर होते हुए अपने पदी कर्तव्य के दौरान आर्थिक अपराध करते हैं उस अपराध को हम सफेद पोश अपराध कहते हैं। सफेद पोश अपराध से तात्पर्य है, कि समाज में सर्व संपन्न उच्च प्रतिष्ठित लोग समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनके द्वारा आर्थिक अपराध के रूप में जो राष्ट्र को समाज को क्षति पहुंचती है उस क्षति के का जो अपराध है उसको हम सफेद पोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। अब इसकी मान्यता और इसकी जो है कि इसके भाव को हम ऐसे देख सकते हैं, रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत गीता में भी है, लेकिन रामचरितमानस में हम देखते हैं महर्षि तुलसीदास जी ने लिखा है समरथ के नहीं दोष गुसाई। तुलसीदास जी ने लिखा है समरथ के नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है समरथ है अपने पद पावर और अपनी प्रतिष्ठा की आड़ में राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर समाज को राष्ट्र को जो क्षति पहुंचाते हैं उनको व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कहा जाता है, सफेद पोश अपराधी कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज के अन्य कार्यों में लिप्त हो, ऐसे लोग जो उच्च प्रतिभावान हो जिन पर समाज बहुत आसानी से उंगली नहीं उठा सकता है, उनके पद उनकी गरिमा पर समाज के लोग उनको अंगुली नहीं उठा सकते हैं, समाज में उनका एक दबदबा होता है, उनकी सामाजिक हैसियत होती है, उस हैसियत और उस अपने प्रभाव के नाते समाज विरोधी तत्वों से लिप्त होकर के अपराध करते हैं और सफेद पोश अपराधी होते हैं। अब सदरलैंड महोदय ने समाज प्रतिष्ठित समाजशास्त्री सदरलैंड महोदय ने अपराध शास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत जो सफेद पोश अपराध का परिभाषा किया है उनके अनुसार सदरलैंड ने कहा प्रतिष्ठित एवं उच्च सम्मानित पद की व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के समय किया गया अपराध सफेद पोश अपराध कहा जाता है। प्रतिष्ठित एवं उच्च सम्मानित पद की व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के समय किया गया अपराध सफेद पोश अपराध कहा जाता है। अब हम इसको विभिन्न अपराध शास्त्रियों की परिभाषा से हम देखते हैं। रैकलिस ने लिखा है
सफेदपोश अपराध उन व्यवसायों के अपराधों का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यवसायों की नीति का कार्यक्रम निर्धारित करता है, बल्कि अपराध ही नहीं बल्कि अपराधों की जननी है। सफेदपोश अपराध सभी अपराधों सफेदपोश अपराधी सभी अपराधों की जननी होते हैं। वो क्रिमिनल वो आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध, राजनीतिक अपराध, जितने अपराध हैं सभी अपराधों में कहीं ना कहीं जो लिप्त होते हैं उनको व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। सफेदपोश अपराध कहा जाता है, अपराधी कहा जाता है। प्रोफेसर गोस्वामी के अनुसार उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की ओट में किया गया कानून का उल्लंघन सफेदपोश अपराध है। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठा की आड़ में किया गया कानून का उल्लंघन सफेदपोश अपराधी है। जैसे बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के, जिले स्तर के, या राजनीतिक दृष्टि हम देखते हैं ग्रामीण प्रधान शुरू करते हैं, हम बहुत ऊंचे स्तर पर प्रधानमंत्री तक के हम देखते हैं, जो कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के बहुत से ऐसे जो है हमें कारनामे मिलते हैं जो सफेदपोश अपराध को उजागर करते हैं। तमाम तरह के घोटाले देश में हुए, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, या बोफोर्स घोटाला को हम कह सकते हैं। समय समय पर तमाम तरीके के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो अपराध है वह सफेदपोश अपराध कहा जाता है। सफेदपोश अपराध के प्रकार, सफेदपोश अपराध के प्रकार से, इस प्रकार सफेदपोश अपराध ऐसे हम कह सकते हैं, इस प्रकार सफेदपोश अपराध वह अपराध होता है जो समाज के उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। समाज के उच्च एवं प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, उनके श्वेतागत एवं माध्यमिक व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान किया जाता है, उनके पेशागत एवं व्यवसायिक गतिविधियों के अंतर्गत किया गया का उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या करते हैं, अपने पेशा में हो या अपने व्यवसायिक हैसियत में हो, व्यवसायिक हैसियत के अंतर्गत किया गया का वह सफेदपोश अपराध है। इन अपराधों का व्यवसायिक कानून का उल्लंघन माना जाता है। अपराधी ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कानून का उल्लंघन करते हैं। सफेदपोश अपराध के अंतर्गत हम मुख्यतः देखते हैं कि यह आर्थिक अपराध होता है। यह अपराध जो है धन के लिए ज्यादा किया जाता है, धन के लिए होता, आर्थिक होता है। सफेदपोश अपराध की विशेषताओं को हम देखते हैं, कौन कौन से अपराध को हम सफेदपोश अपराध कहेंगे। सफेदपोश अपराध की विशेषता है, यह अपराध उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। सफेदपोश अपराध कैसा अपराध है, समाज के उच्च एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरा है, वह अपराध व्यवसायिक एवं पेशागत क्रियाओं के अनुचित लाभ की दृष्टि किया जाता है। सफेदपोश अपराध अपराधी की प्रतिष्ठा की, सफेदपोश अपराध अपराधी की प्रतिष्ठा की आड़ में किया जाता है। सफेदपोश अपराध आम जनता में विश्वास के विरुद्ध होता है। सफेदपोश अपराध दंडनीय है, परंतु समुचित दंड की व्यवस्था नहीं है। राज्य की व्यवस्था की प्रकृति की भिन्नता के साथ साथ आपराधिक गतिविधियाँ, आपराधिक व्यवहार सफेदपोश अपराध में परिवर्तित हो जाती है। जैसा राज्य की व्यवस्था है, दंड की जैसी भय है, पूरा हम कह सकते हैं कि समाज सोता है लेकिन दंड जागता है,
उस दंड के भय से समाज में लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अब सफेदपोश अपराध के कारण देखते हैं, क्या कारण लोग सफेदपोश अपराध करते हैं? स्वार्थवाद होता है। सफेदपोश अपराध का पहला कारण है स्वार्थवाद। व्यक्ति अपने जो है स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में समाज को तथा राष्ट्र को बलि चढ़ा देता है, वह सफेदपोश अपराध है। देश की सुरक्षा, देश की रक्षा या समाज की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए जो दायित्व उनको दिया गया है, उन दायित्वों से भिन्न होकर के ऐसे कार्य करते हैं जो समाज को एवं राष्ट्र को, देश को क्षति पहुंचाता है। और लेकिन अपने पदी कर्तव्यों के दायित्वों के नाते, पदी पदों के नाते, अपने पद पर होने के नाते समाज उनको, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि समाज उनको जो है आसानी से अंगुली नहीं उठा सकता है। न्यायिक पक्षपात, सफेदपोश अपराध का महत्वपूर्ण कारण न्यायिक पक्षपात है। न्यायिक पक्षपात से तात्पर्य है कि बहुत उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के विपरीत कार्य करके न्यायपालिका को किसी न किसी रूप में प्रलोभित करके अपने पक्ष में कानून की व्याख्या करा करके बाइज्जत बरी हो जाता है। ये भी सफेदपोश अपराध का कारण है। बड़े बड़े अपराधी जैसे हम देखते हैं कि छूट गए, उनकी सरकार आ गई तो अपने फेवर में जजमेंट को करा करके, और जज को जो है मतलब कोई अन्य तरीके से लाभ दे करके, उनको जो है दूसरा लाभ पहुंचा करके भी लोग सफेदपोश अपराधी के श्रेणी में आते हैं। सामाजिक जागरूकता का भाव, सामाजिक जागरूकता का भाव है। समाज हमारा अभी संगठित एवं व्यवस्थित नहीं हुआ है। समाज में व्यक्ति अपने तक सीमित है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग सामाजिक जागरूकता के अभाव का फल फूल रहे हैं। जिस दिन समाज जागरूक हो जाएगा उस दिन उनका सारा धंधा बंद हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं सफेदपोश अपराध के कारकों में। हम अब देखते हैं कि सामाजिक अर्थदंड, पर्याप्त दंड का न होना। सफेदपोश अपराध के लिए जो अर्थदंड की व्यवस्था हो, पर्याप्त दंड न होना, पर्याप्त दंड नहीं है, इसलिए भी सफेदपोश अपराध का कारण बनता है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण होने से पूंजीवाद को बल मिलता है और इसके साथ साथ व्यवसाय का क्षेत्र विकसित होता है। प्रतिस्पर्धा के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सफेदपोश अपराध का कारण बन रहा है। कानून के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कानून की जटिलता, कोई भी अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो कानून की व्याख्या, कानून की जटिलता इतनी मतलब कठोर है कि वह छूट जाता है। अगला हम देखते हैं जनता की सहानुभूति। सफेदपोश अपराधियों के प्रति जनता की सहानुभूति बहुत अधिक होती है। जनता की सहानुभूति भी सफेदपोश अपराध को कारण दे रही है। बड़े बड़े अपराधी हैं, अगर उनको पार्टियां टिकट नहीं देती हैं तो पैसा दे करके या अन्य प्रलोभन से जनता के बीच जा करके और MP MLA बन जाते हैं या राजनीतिक पद पर पहुँच जाते हैं, वो भी सफेदपोश अपराध का कारण बन रही है। पूंजीवादी व्यवस्था भी सफेदपोश अपराध का कारण बन रही है। पूंजीवादी व्यवस्था के नाते व्यक्ति सफेदपोश अपराध का कारण बन रहा है। अब अगला हम देखते हैं राजनीतियों की सहभागिता। राजनीतिज्ञों की सहभागिता से तात्पर्य है राजनीतिक व्यक्ति जो हैं उनकी भी सहभागिता सफेदपोश अपराध के कारण बन रही है। सफेदपोश अपराध कारण राजनीतिक सहभागिता भी है। राजनीति में लोग पहुंच जा रहे हैं जिससे सफेदपोश अपराध को जन्म देते हैं। राजनीति का अपराधीकरण भी सफेदपोश अपराध का महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का पहुंचना हम देखते हैं
भारतीय संसद हो या राज्य के विधानमंडलें हों, उसमें 25% लोग किसी न किसी रूप में अपराधी प्रवृत्ति के पहुंच जाते हैं, चाहे तो सफेदपोश अपराधी हों या सामाजिक अपराधी हों या तो हार्ड क्रिमिनल हों। उनका भी राजनीतिक दबदबा होने के नाते अन्य लोग देख करके सफेदपोश अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, उनका उनको संरक्षण मिलता है। ऐसे अपराधियों को, ऐसे सभी अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उस राजनीतिक संरक्षण के कारण सफेदपोश अपराध कर बैठते हैं। सफेदपोश अपराध के प्रभाव हम देखते हैं, समाज में गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, समाज में गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। दिन दुगुना रात चौगुना अपराधी, सफेदपोश अपराधी बढ़ता जा रहा है, और उसके विपरीत जो अपने दम से, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से जीविकोपार्जन कर रहा है, तो आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संतुलन व्यवस्था के नाते उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। व्यक्ति अगर आर्थिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है तो अपनी अपने जीविकोपार्जन को, अपनी व्यवस्था को अपने स्तर से चलाने का प्रयास करता है। लेकिन जब सफेदपोश अपराधी समाज में फलने फूलने लगते हैं तो उसकी भी ईमानदारी की आशा टूटने लगती है, इसलिए भी सफेदपोश अपराध का कारण और प्रभाव हम देखते हैं। इस तरह से सफेदपोश अपराध के नियंत्रण के लिए हम देखते हैं राजनीतिक, इन अपराधों के लिए निवारण के दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। आपराधिक विधि में कष्ट, बेईमानी, टैक्स चोरी आदि के लिए कठोर व्यवस्था होना चाहिए। संपत्ति को जब्त कर लेने की व्यवस्था होनी चाहिए, सफेदपोश अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश सरकार है या अन्य प्रदेशों में कई कई सरकारें हैं जो इस कदम पर अपना योगदान दे रही हैं, अपना कार्य कर रही हैं। धन्यवाद। अगले दिन कल आपको फिर बताएंगे। थैंक यू।